स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है, जो कि काफी पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसमें चार रिले लगी हुई हैं, इसमें तीन ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले है। इसका सर्किट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, काफी पुराने मॉडल का इसमें सर्किट लगा हुआ है और इस सर्किट सही से काम नहीं कर रहा है। इसे रिपेयर कर चुके हैं 2-3 बार, उसके बावजूद इसमें फॉल्ट आ जाता है। और अक्सर आपने भी देखा होगा, आपके सामने भी इस तरह के बहुत सारे सर्किट आ जाते होंगे, जो कि या तो आसानी से रिपेयर नहीं होते होंगे या फिर रिपेयर होने के बाद बार बार फॉल्ट आता होगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की सभी समस्याओं का समाधान है ये माइक्रो कंट्रोलर किट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें लो कट, हाई कट, टाइमर सभी सिस्टम से रहते हैं। इसमें किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक ही प्रीसेट से सारी सेटिंग्स हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे ये पुराना सर्किट है, इसमें चार रिले ऑपरेट करने के लिए चार प्रीसेट दे रखे हैं। और वोल्टेज स्टेबलाइजर के ज्यादातर सर्किट ऐसे ही होते हैं कि जितनी रिले होती है उतने ही प्रीसेट होते हैं। सबको अलग अलग सेट करते रहो, जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा खराब होता है। लेकिन हमारी जो माइक्रोकंट्रोलर किट है, इसका बेनिफिट यही है कि आप इस एक प्रीसेट को बस एक बार ही सेट करेंगे, इसके सारे स्टेप्स खुद ही सेट हो जाएंगे और यहां तक कि हाई कट भी खुद ही सेट हो जाएगा। बहुत आसान कनेक्शंस हैं इसके, कनेक्शंस करना भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि पैसे बचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी नए मॉडल के या फिर पुराने मॉडल के स्टेबलाइजर में आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि ये स्टेबलाइजर काफी पुराने मॉडल का है, तो इसमें हम इस सर्किट को लगाएंगे और इसे चलाकर दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जो इसका एक बेनिफिट और है, उसमें बेनिफिट ये है कि आमतौर पर ट्रांसफार्मर की टर्न्स वगैरह स्पेशल निकालना पड़ती है किसी भी सर्किट के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये आसानी से ज्यादातर ट्रांसफार्मर के साथ एडजस्ट हो जाता है, हमें कोई अलग से स्पेशल टर्न्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये पुराना ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, पुराना स्टेबलाइजर दिखा रहा हूँ कि काफी पुराना है। जब का ये ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर है, तब उस जमाने में माइक्रोकंट्रोलर किट नहीं आते थे, लेकिन तब के ट्रांसफार्मर में भी हम इस किट को लगाकर चला सकते हैं। तो चलिए इसके कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस आपको बता दें, बहुत आसान है। ये देखिए, ये 0 24 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर से इनपुट सप्लाई आ जाएगी, जो कि पिलेट्राउंड से आएगी। हमें कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। और इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है CO, यानी कॉमन। जितनी भी रिले हैं, इन सबकी कॉयल का एक वायर कॉमन रहता है, तो वो कॉमन वायर हम यहाँ पर लगा देंगे IP2। तो देखिए, इसमें तीन रिले ऑपरेटिंग है, तो इसमें बीच वाली रिले हमारी इनपुट 2 है, इसका कनेक्शन हम यहाँ पर लगा देंगे। और देखिए, इस पर लिखा हुआ है IP1, तो फिर हमारी जो इनपुट रिले है, इसकी कॉयल का एक वायर हम IP1 पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है OP, यानी आउटपुट, तो जो हमारी आउटपुट रिले है उसी कॉयल का एक कनेक्शन हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है CUT कट, तो जो हमारी टाइमर वाली रिले है, ये देखिए इसका कनेक्शन, इसकी जो कॉयल का कनेक्शन है, हम यहाँ पर कर देंगे कट पर। तो इस तरह से ये चारों रिले के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक बेनिफिट और रहता है कि मान लीजिए अगर किसी स्टेबलाइजर में हमें कट यानी हाई कट और टाइमर यूज नहीं करना है, तो हम ये कनेक्शन छोड़ देंगे। जैसे इसमें तीन ऑपरेटिंग रिले हैं, बहुत सारे स्टेबलाइजर ऐसे होते हैं जिसमें केवल ऑपरेटिंग रिले होती है, हाई कट टाइमर कोई सिस्टम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम ये कनेक्शन छोड़ देंगे और स्टेबलाइजर हमारा फिर भी काम करेगा, सर्किट हमारा अच्छे से वर्क करेगा। और उसके अलावा बहुत से स्टेबलाइजर ऐसे होते हैं जो 140 वोल्ट या 130 वोल्ट से होते हैं, उसमें केवल दो ही ऑपरेटिंग रिले होती हैं, तो उस कंडीशन में हम ये एक कनेक्शन और छोड़ देंगे। जैसे दो ऑपरेटिंग रिले हैं, तो हम ये IP1 वाला कनेक्शन भी छोड़ देंगे और बाकी कनेक्शन वैसे ही कर लेंगे, यानी आउटपुट और IP2 ये कनेक्शन हम कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सर्किट 140 वोल्ट के स्टेबलाइजर में भी वर्क करेगा। चलिए अब बिना देर किए इसके कनेक्शंस करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं, चेक करके बताते हैं कि ये सर्किट हमारा कैसा वर्क कर रहा है और किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। सब कुछ प्रैक्टिकल है। ये देखिए दोस्तों, हमने पुराने सर्किट को बिल्कुल हटा दिया है, सारे कनेक्शंस इसके हटा दिए हैं और इसकी जगह पर हमने ये अपना माइक्रो कंट्रोलर सर्किट लगा दिया है, कनेक्शंस इसमें कर दिए हैं। अब इसे चेक करते हैं। तो देखिए, इसकी आउटपुट पर हमने एक वोल्टमीटर दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वोल्टमीटर इसकी आउटपुट बताता रहेगा। देखिए, इसे अब मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसे ऑन करते हैं। ये हमने इसे ऑन किया और डिमर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। देखिए, अब ये स्टेबलाइजर हमारा आउटपुट नहीं निकाल रहा है, क्योंकि इसका
टाइमर सिस्टम एक्टिवेट है भी। टाइमर वैसे इसका 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच में खुद ही ऑन हो जाता है। अगर हमें जल्दी ऑन करना है तो देखिए यहाँ पर ये एक जैक दे रखा होता है, इसकी दोनों पिनों को हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो इससे ये आउटपुट निकाल देगा। टाइमर इसका ये रिसेट के लिए जैक दे रखा है, यहाँ पर हम रिसेट स्विच लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट निकाल रहा है। इस तरीके से आप हम इसे वोल्टेज बढ़ाकर देखेंगे, ये देखिए 250 वोल्ट पर ले जाकर हमें इसे कट करना है। हम केवल एक ही कट सेट करेंगे, देखिए 250 वोल्ट पर हमने इसकी आउटपुट रोक दी। अब हम इस प्रीसेट की सहायता से इसे प्रीसेट को घुमाएंगे ताकि इसका कट आ जाए। ये देखिए इस प्रीसेट को हम जब तक घुमाएंगे तब तक की रिले हमारी ऑन ना हो जाए। इसे हम घुमाते रहेंगे, ये देखिए ये कट आ गया हमारा। हमें बस एक ही बार सेट करना है, बाकी सारे कट खुद ही आएंगे। आप लोग देख सकते हैं दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और ये पांचवा कट। ये देखिए 5-स्टेप किट है तो इसके 5 स्टेप्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत ही आसान है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आसानी से सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग काम बहुत कम जानते हैं या फिर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी इस किट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी स्टेबलाइजर को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।